हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मीना शर्मा, माय यूट्यूब चैनल मीना दीपिका शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं टेंगरा मछली बना रही हूँ। देखिए, टेंगरा मछली को धोकर इसमें नमक हल्दी मिलाकर रखी हूँ तलने के लिए। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो आप लोग इसका रेसिपी ज़रूर पूरा देखिए। आइए दिखाती हूँ। अब इस मछली को मैं देखिए तेल में डाली हूँ तलने के लिए। तेल में जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा एक बार पलट देंगे, उसके बाद निकाल देंगे। सभी मछली तेल में तल कर रख दी हूँ। अब मसाला देखिए कौन कौन सा लगता है। एक कटोरी में सरसों का पेस्ट रखी हूँ, उसी में लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अपने मछली के हिसाब से मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। आप लोग अपने मछली के अनुसार मसाला तैयार करना, कौन कौन सा मसाला लगता है ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये अब हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी के बाद मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आप लोग अपने मछली के हिसाब से मसाला तैयार करना। बस आप लोग ये देख लीजिए कौन कौन सा मसाला इसमें लगता है। इसके बाद देखिए मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर है ये। और इसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर भी डालना है। देखिए ये चम्मच में जो है काली मिर्च और जीरा का पाउडर है। तो हमारा मसाला तैयार हो गया है, आप लोग भी ऐसे ही तैयार कर लेना। अब देखिए इसमें फ़ौरन में मैं डाली थी सरसों और लाल मिर्च, अब उसी में सारा मसाला डालकर मैं कढ़ाई में मसाला को भूज रही हूँ। मसाला पकने तक की तैयारी चल रही है कि कब मसाला पक जाए तो मछली इसमें डालेंगे। अभी इसमें नमक और टमाटर बाकी है डालना, तो आप लोग देखते रहिए। देखिए नमक डाल रही हूँ। नमक आप लोग अपने स्वाद के अनुसार डालना। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या कुछ पूछना तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। टमाटर डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी, तो हल्का सा इसमें पानी डालूँगी मसाला पकने के लिए। उसके बाद ढककर मैं इसको रख दूँगी मसाला पकने के लिए। हल्का सा पानी मैं इसमें डालूंगी। मुझे हल्का सा पानी में डाल रही हूँ मसाला पकने के लिए। अब ढक कर रख दूंगी। मसाला को मैं देख रही हूँ मसाला पका है या नहीं। अभी नहीं पका, मैं इसको ढक कर रख दूंगी, फिर देखूंगी। ये देखिए, फिर दोबारा मैं देखी तो मसाला पक चुका है। इसमें मैं पानी मिला रही हूँ। पानी आप लोग को जितना हो वो उतना ही पानी डालना है। तो आप लोग अपने मछली के हिसाब से रस को बनाना है। अब ये उबल जाएगा तो इसमें मछली डाल। पानी वाला रस हमारा उबल चुका है, अब इसमें मैं मछली डाल रही हूँ। मछली डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी उबालने के लिए, उसके बाद मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। तब हमारा मछली बनके तैयार हो जाएगा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना और फिर बताना कमेंट करके। अगर आप उसके बाद आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और आप लोग बनाकर ट्राई करना अच्छा लगे, तब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल पर नए हैं तो। मछली देखिए हमारा बनके तैयार हो गया है, उबल चुका है अच्छे से। अब गैस को मैं ऑफ कर दूँगी, उसके बाद खाना देने जा रही हूँ माँ जी को। माँ जी को सबसे पहले मैं मछली और रोटी देने जा रही हूँ और उन्हीं से पूछूँगी कि मछली कैसा बना है। तो आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए, माँ जी हमारी टेस्ट करके बताएंगी अच्छा बना है या नहीं। बहुत अच्छा बना लगा, बहुत अच्छा बना। हमारी माँ जी को मछली का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बट आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि मछली का टेस्ट
इस तरह बनाने से कैसा लगता है। और उसके बाद हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।